हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, वीडियो में बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें तो आज के हाई की 56.80 रुपये इसका आज का ये लो की बात करें 55 रुपये इसका आज का लो है। 52वीं हाई की बात करें 71.25 रुपये इसका 52वीं का ये लो की बात करें 27.30 रुपये इसका 52वीं लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइज, तो मैक्सिमम की बात करें तो करीब करीब जो कि 250 रुपये, जो कि 125 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था जुलाई 2015 में, और एट प्रेजेंट आपको 56 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। आज भी 4% का जंप इसमें देखने को मिला। तो न्यूज़ की बात करें, काफ़ी मल्टीपल इसमें न्यूज़ जो कि सामने आ रही है अगर बात करें स्नोमैन लॉजिस्टिक की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उस इसके एनालिसिस की बात करें तो चीज़ें काफ़ी सारी इसमें जो कि ग्रोथ पे है। इवन अगर बात करें स्पॉट एनालिसिस की तो स्ट्रेंथ, जो कि 8 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेस है, 4 अपॉर्चुनिटीज हैं, 3 थ्रेट हैं। अगर बात करें स्ट्रेंथ की, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद लो डेप्ट, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो काफ़ी लो है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेस। सो गाइज, प्रोमोटर प्लेस 0 ऑलरेडी हो चुका है स्नोमैन लॉजिस्टिक में। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीकनेस की बात करें, रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स, हाई पी विद नेगेटिव आरओई, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, पॉजिटिव ब्रेकआउट, फर्स्ट रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। एंड बात करें यहाँ पर जो कि थ्रेट की, रेड फ्लैग लार्ज स्विंग बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट टू लॉस कंपनीज स्टॉक विद हाई पी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की बात करें तो ऑफकोर्स जो कि एक बाइंग यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव होनी बाकी हैं, और काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर इसके हम एट प्रेजेंट अगर बात करें इसके जो कि सेंटिमेंट की, 76% बाय का, 6% सेल का, और 18% होल्ड करने का सेंटिमेंट इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी इवन काफ़ी बेटर है, सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर क्वार्टरली इसके फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू की बात करें, जो कि रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इक्विवेलेंट जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर में, बट अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो यहाँ पर जो कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब करीब सेम सिचुएशन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी नज़र आ रही है। अगर होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग जो कि 58.05% होल्डिंग है, अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की 40.25% होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें 1.7% यहाँ पर होल्डिंग नज़र आ रही है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो एक अच्छे खासे इंक्रीमेंट के साथ जो कि फॉरेन इन्वेस्टर जो कि मार्च क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसकी न्यूज़ की तो काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लैश हो रही है मार्केट में, जो कि कल जो कि इसका जो जो इसकी रैली है इवन काफ़ी जो कि रिवाइज हुई थी, इवन जो इसका जो परसेंटेज है जो कि लॉकिंग परसेंटेज है वो भी रिवाइज हुआ था। स्मॉल एंड मिड कैप मंत्रास 100% रैली फ्रॉम जून 2020 अ टेक्निकल इंडिकेटर मेक्स स्नोमैन लॉजिस्टिक एंड अट्रैक्टिव बाय। सो गाइज, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ इसकी बताई है, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो टाइम है वो पैंडमिक वाला टाइम है, और वैक्सीन की हर किसी को ज़रूरत है अभी इस टाइम पर। एंड जो सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज जो कि स्नोमैन लॉजिस्टिक अपने पास जो कि ऑलरेडी है स्नोमैन लॉजिस्टिक के पास, तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट स्नोमैन लॉजिस्टिक को यही है कि उसके पास बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, और एक डील भी साइन हुई है वैक्सीन के लिए, एक नहीं काफ़ी सारी डील साइन हुई है, और काफ़ी इवन जो इफेक्टिव होगा इन फ्यूचर एक बड़ा प्राइस आपको दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पैंडमिक काफ़ी बेनिफिशियल है अगर बात करें स्नोमैन लॉजिस्टिक की। द स्टॉक गॉट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज इन ईयर 2014 नियर ₹75 ओड लेवल्स, एंड देन रैलीज टुवर्ड्स इट्स लाइफ टाइम हाई ऑफ
134 and since then the stock underwent relentless fall and come down till the recent low of around 25 and then bounced back just because of pandemic. So pandemic plus काफ़ी सारी और भी news हैं जो कि इसको strong बनाती हैं, Snowman Logistics को strong बनाती हैं. So guys, first of all जो कि एक news आई थी, the Snowman will manage the delivery through 5 of its high capacity temperature control warehouse in Mumbai, the national capital region, Calcutta, Chennai, Bangalore. The company said, so guys, just because of एक Dr. Reddy के साथ एक partnership हुई थी जो कि एक news के through मैंने आपको बताया था, उसमें जो कि Dr. Reddy ने जो कि Russian Soviet संघ से जो कि Sputnik 5 के लिए जो कि partnership करके जो कि Sputnik 5 को इंडिया में लेके आया था, उसकी cold storage plus delivery वो सारी चीज़ें Snowman Logistics हैंडल करेगा. और ये काफ़ी बड़ी partnership थी और ये न्यूज है, ये हर जगह फ्लैश हुई थी. Snowman Logistics सोर्स 15% एज कंपनी पार्टनर्स विथ DRL Dr. Reddy Laboratories. सो गाइज, ये 3 जून की न्यूज़ थी और काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जो कि Sputnik 5 का जो कि डिलीवरी, पूरा डिलीवरी प्लस उसकी स्टोरेज, उसका सब कुछ जो कि Snowman Logistics हैंडल करेगा. ये काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो कि Snowman Logistics और Dr. Reddy Laboratories के बीच. सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो कि एक Snowman Logistics की बात करें, तो क्रिजिल ने इसमें लॉन्ग टर्म में जो कि इसकी रेटिंग है उसमें ऑफकोर्स जो कि काफ़ी इवन अट्रैक्टिव रेटिंग यहाँ पर आप जो कि Snowman Logistics को मिली थी क्रिजिल से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर न्यूज़ की बात करें तो जो कि इसका लॉस है वो नैरो हुआ था Q4 में, एंड रेवेन्यू ऑफकोर्स जो कि इंक्रीज हुआ था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें Snowman Logistics की, जो कि स्पाइस जेट के साथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MOU साइन हुआ था और उससे पहले भी MOU साइन ऑलरेडी हो चुका था Snowman Logistics के पास. तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें स्पाइस जेट Snowman Logistics जंप्स ऑन पैक फॉर ट्रांसपोर्टिंग COVID-19 वैक्सीन. एंड इसके अलावा अगर बात करें जो कि एक स्टेटमेंट आया था Snowman Logistics के पास, Snowman Logistics से एक्सपेक्ट वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस इंडिया बाय मिड मे. सो वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो एक बड़ा मुद्दा था जो कि इंडिया के लिए, उसका भी इवन जो कि काफ़ी इवन सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है उसका. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि पॉजिटिव यहाँ पर जो कि नज़र आ रही है Snowman Logistics की तरफ से. एंड बात करें एक न्यूज़ की जो कि QIP के थ्रू 250 करोड़ जो कि फंड रेज करेगा, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी और ये न्यूज़ है, ये हर जगह फ्लैश हुई थी. Snowman Logistics गेंड ओवर 2% ऑन प्रपोजल टू रेज फंड वाया QIP के थ्रू 250 करोड़ का फंड रेज करेगा. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं. अब बात आती है कि ऑफ कोर्स इसको लेना चाहिए, इन फ्यूचर एक आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है. सो अभी अगर लेने की बात करें तो ऑफ कोर्स जो कि अगर आपको 50 रुपये के आसपास मिले तब भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट टोटली पीक पर है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपको थोड़ा नीचे मिलेगा देन दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू, क्योंकि आपका आपके पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर होगा कि आप उस अगर नीचे जाए तो ऑफकोर्स आप उसको थोड़ा सा एवरेज बना सकते हैं, बट इतना आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको एवरेज बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग एवरेज आपके पोर्टफोलियो में होगा. तो थोड़ा सा नीचे लेंगे देन दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू और एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है. सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, टेक केयर.